हे दोस्तों, क्या हाल चाल है? पता है भाई, घर में बैठ बैठ के बहुत हालत ख़राब हो चुकी है एंड बाहर भी नहीं निकल सकते। बट मुझे लगता है कि बाहर निकलने से अच्छा घर में बैठना सही रहेगा, ठीक रहेगा। सो स्टे होम, स्टे सेफ। और इस वीडियो में आज हम फिर से स्टोरेज को इंक्रीज़ करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने इस टॉपिक के ऊपर कई सारी वीडियोस बना रखी है एंड वो वीडियो वायरल भी बहुत ज़्यादा हुई है, लोगों को पसंद भी बहुत ज़्यादा आई है। अगर आपने उन वीडियोस को वॉच नहीं किया तो चैनल पे जाओ, पॉपुलर वीडियोस पे जो है आपको सभी वीडियोस मिल जाएगी। हर वीडियो में जो है अलग अलग तरीका बताया है एंड उसके बाद जो भी वीडियोस बनाई है उन सभी वीडियोस में जो है कुछ नया बताने की कोशिश की है जिससे आप स्टोरेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में भी कुछ नया बताने वाला हूँ आपको जिससे काफ़ी ज़्यादा मदद होंगी आपको स्टोरेज को इंक्रीज़ करने के लिए। एंड अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस होता है तो इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करो, आपका जो है प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, नीचे लाल कलर का बटन दिखेगा उसे दबा दो, बगल में ही आपको बेल आइकन का बटन मिलेगा उसे भी दबा दो। जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो न्यू नोटिफिकेशन के साथ आपको न्यू वीडियो मिल जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, मैं आप सभी को इस वीडियो में ट्रिक बताऊंगा बट उससे पहले जो है एक नेचुरल प्लस जेन्युइन तरीका बताऊंगा जिससे आप इंटरनल स्टोरेज को सच में इंक्रीज कर सकते हो एंड ये बेस्ट ट्रिक है जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद होगी। अगर आपके डिवाइस में कुछ ऐसी ऐप्स है जिन्हें आप यूज़ नहीं करते हो, बस इंस्टॉल करके रखा है एंड जब ज़रूरत गिरेगी तब जो है हम उन ऐप्स को यूज़ करेंगे, अगर आपका ऐसा सीन है तो भाई अभी उन ऐप्स को डिलीट कर दो, अनइंस्टॉल कर दो, बिकॉज उन ऐप्स से इंटरनल स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता है। उन ऐप्स की जो फाइल्स होती है वो बैकग्राउंड में क्रिएट होती रहती है एंड घुमा फिरा के जो है फाइल जो है क्रिएट होती जाती है और जो इंटरनल स्टोरेज है वो यूज़ भी होते जाता है। इसीलिए जो है ना उन ऐप्स को अभी इंस्टॉल कर दो। एंड लास्ट, रैम मैनेजमेंट अच्छा नहीं मिलेगा, आपका डिवाइस परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा नहीं मिलेगा। बेसिक सी बात है यार, अगर आपकी डिवाइस की रैम कम है और आपने ऐप्स बहुत ज़्यादा इंस्टॉल करके रखी है तो घुमा फिरा के आपका डिवाइस डेफिनेटली हैंग होगा, लैग होगा। सो इन सब चीज़ों के पीछे जो है ना एकमात्र एक रीज़न होता है ऐप्स। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो कम से कम ऐप अपने डिवाइस में इंस्टॉल रखिए, ठीक है ना। अब बताता हूँ आपको सेटिंग, और इन तीनों ही सेटिंग्स को आपके डिवाइस में आपको सेट करनी है। तो यार होता क्या, एक्चुअली आपके डिवाइस में ऐप्स तो कई सारी होती है, अब सभी ऐप्स को अनइंस्टॉल तो नहीं कर सकते ना। कुछ ऐप्स होती है जिन्हें हम डेली यूज करते हैं लाइक व्हाट्सअप, फेसबुक एंड कई सारी ऐप्स होगी, अमेजोन जो शॉपिंग की ऐप्स होती है वो भी आप यूज करते होंगे। इसके अलावा आपके डिवाइस में और कई सारी ऐप्स होंगी जिन्हें आप डेली यूज करते हो। अब होता क्या, उन सभी ऐप्स को जो है ना प्ले स्टोर बैकग्राउंड में अपडेट करता है। सच में दोस्तों ये चीज डिवाइस के साथ होती है बट बहुत ज्यादा हिडन होती है। फर्स्ट आपको जो है प्ले स्टोर को ओपन करना है, देन उसके बाद थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है एंड सेटिंग को ओपन कर लेना है। देन यहाँ पे नाउ आपको टॉप पे जो है दो सेटिंग्स मिलेंगी, ऐप डाउनलोड प्रेफरेंस, ऑटो अपडेट ऐप। तो जो भी खेल आपके डिवाइस में होता है, जो भी आपके ऐप्स ऑटो डाउनलोड होती है वो इसी सेटिंग से होती है। एंड इसके बाद क्या होता है, आपके डिवाइस की जो स्टोरेज है वो यूज़ की जाती है। अब आपका ऐप ऑटो डाउनलोड हो रहा है, ऑटो अपडेट हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो आपका इंटरनल स्टोरेज है वो यूज़ किया जाएगा। एंड आपको पता नहीं होता है बैकग्राउंड में जो है आपकी कई सारी ऐप्स जो है अपडेट हो जाती है बट वो पता नहीं चलता है। बट अगर आप इन सेटिंग्स को सेट कर दोगे तो आपकी जो ऐप्स है वो ऑटो डाउनलोड होगी नहीं एंड ऑब्वियसली जो आपका स्टोरेज है वो वेस्ट नहीं होगा। तो आपको फर्स्ट क्या करना है, ऐप डाउनलोड प्रेफरेंस पे जो है आपको आस्क मी एवरी टाइम करना है। आपका जो है बाय डिफ़ॉल्ट ओवर एनी नेटवर्क होगा, मैंने पहले जो है इसको आस्क मी एवरी टाइम करके रखा है। तो आपको जो है सेम यही चीज़ आपके डिवाइस में अप्लाई करनी है। एंड उसके बाद जो है ऑटो अपडेट ऐप, ये भी जो है गाइज आपका ओवर वाईफाई ओनली होगा। आपको जो है डोंट ऑटो अपडेट ऐप पे सेट करना है एंड डन कर देना है। इसके बाद क्या होगा, आपके डिवाइस में कोई भी ऐप ऑटो डाउनलोड नहीं होगी एंड आपका जो स्टोरेज है वो भी इन सब चीज़ों में वेस्ट नहीं होगा। सो गाइज, इन सभी सेटिंग्स को डिवाइस में अप्लाई कर दो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगली वीडियो में जो है कुछ इससे अच्छा सेटिंग और इससे ज़्यादा पावरफुल सेटिंग को जो है आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में जो है आप सभी को यही बताना था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, तुम्हारे लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।